आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पृथ्वी से डायनासोर का अंत कैसे हुआ। देखिए, आप लोगों को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं सौरमंडल के बारे में, थोड़ा आज बताते हैं उसके बारे में, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो बुध है, इसके बाद वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और इसके बाद वाला जो ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह भी है, कौन सा? चंद्रमा। और इसके बाद का जो आता है वो मंगल ग्रह आता है। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। और इसके बाद कुछ ग्रहों के टुकड़े हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं जिसे हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। हिंदी में इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं। यही हमारी टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। आगे आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, लेकिन हमें बस यहीं तक रुक जाना है, क्षुद्र ग्रह तक। आज की टॉपिक ये इसी से रिलेटेड होगी, पृथ्वी, मंगल और क्षुद्र के बीच तक ही। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इन्हें इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं। ये एक समय ऐसा, ये क्या होते हैं कि जितने ये क्षुद्र ग्रह हैं और जितने हमारे ग्रह हैं ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं और हमारे पृथ्वी के ये सब जितने भी ग्रह होते हैं ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जितने भी ये सब हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह ये भी ग्रह हैं, लेकिन एक कई ग्रह ये आपस में एक बहुत करोड़ों साल पहले ग्रहों का आपस में टकराव हुआ, जैसे टकराव होने से छोटे छोटे टुकड़े बन गए मंगल और बृहस्पति के बीच, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं। अब होता क्या है कि ये कभी कभी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, मंगल अपने ग्रेविटी के कारण इनको अपनी तरफ खींचता है, और खींच के कुछ दूरी पर ये जब चक्कर लगाता है सूर्य का तो बस आगे निकल जाता है। जब आगे निकल जाता है तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पे गिर जाते हैं, तो इन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड। जब ये गिरते हैं इन्हें उल्का कहते हैं, और जब पूरी तरीके से पृथ्वी की सतह पे गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जब गिरते हैं तो उल्का, और जब पृथ्वी की सतह पे गिर जाते हैं तो उल्का पिंड। अभी मान सपोज करें कि अभी गिर रहा है और अब यहाँ पे आके गिर गया, इसे क्या कहेंगे? उल्का पिंड। जब गिर रहा है तो उल्का, और जब गिर जाए तो उल्का पिंड। अब यही बहुत समय पहले लगभग 6-6.5 करोड़ साल पहले की बात है, हुआ क्या कि एक बार इतना भयानक एस्टेरॉयड गिरा कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल भी उसे रोकने में असक्षम रहा, यानी उसे रोक नहीं पाया, और वो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आके गिरा। कि सतह पर गिरते ही जितने ही पृथ्वी के अंदर के जितने भी गैसेस थी, जितने भी मैग्जिमा वगैरह सा था, लावा वगैरह थे, सब एकदम बाहर निकल गए, और इतनी तेज़ी से वो बाहर निकले, निकलते उसका टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री लगभग पहुंच गया, और 200 डिग्री लगभग पहुंचते ही सारे के सारे पृथ्वी के आस जहां पे वो गिरा उसके कुछ एरिया में कई एकदम पूरा जलमग्न हो गया। और फिर इसी के बाद ये धीरे धीरे जितने डायनासोर वगैरह थे सब चपा कुचा के दबा के मर गए। और फिर ये तो थोड़ा कम था, इसके बाद एक भयानक समुद्री पूरा का पूरा जो था समुद्री की तरफ, समुद्री के किनारे विस्फोट तक पहुंचा, और समुद्री से पूरा का पूरा जो भी था
समुद्र एक लहर मारा, जो समुद्र लहर से पूरा का पूरा पानी जो था समुद्र का सुनामी का रूप ले लिया समुद्र, और पूरा का पूरा पानी पूरे इलाके में इधर उधर पूरा जाके सुनामी का कहर सब पे टूट पड़ा। और जैसे सुनामी का कहर टूटा, पूरे के पूरे पृथ्वी जो थी उस एरिया की जहाँ पे उल्का पिंड गिरा, पूरा का पूरा जलमग्न हो गई। और फिर अभी तो ये कम था, और कुछ जो हमारे थे डायनासोर उड़ने वाले वो बेचारे उड़ गए। जैसे उल्का पिंड गिरा, जो चलने वाले थे वो दबा कुछ आ गए, छोटे मोटे जानवर सब मर गए, और जो उड़ने वाले थे बेचारे उड़ गए। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा वगैरह लावा वगैरह था, इतना तेज़ी से ऊपर की तरफ उठा कि काफ़ी दूरी पर चले गए। और फिर जैसे ही सब माहौल शांत हो रहा था, तब तक वो भी एक एक करके टपकने लगे। जो उड़ने वगैरह वाले थे वो सब भी धीरे धीरे, उन सब के भी पंखों वगैरह पे बॉडी वगैरह पे पड़ा, और वो सब भी धीरे धीरे जल के राख हो गए। तो यही कारण है उल्का पिंड गिरे हमारे पृथ्वी से तो डायनासोर वगैरह को अंत हो गया, वरना आज डायनासोर आते पूछते डायरेक्ट कौन सी बहस चल रही है मुंडी उठाते और सबसे पहले तो हमें ही निकल जाते, इस बहस का मुखिया यही है तो ये होते हैं उल्के पिंड, इतने खतरनाक होते हैं। आइए समझते हैं उल्के पिंड के बारे में और बेहतर। देखिएगा इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी केवल मेरा आज फोकस रहेगा उल्का पिंड पे। देखिए ये हमारे एस्टेरॉयड, ये हमारे क्या हैं, एस्टेरॉयड हैं, ये हमारे एस्टेरॉयड हैं, और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब होता क्या है कि मैं आप लोगों को बताया कि जब ये उल्का एक एस्टेरॉयड गिरता है तो इसे कहते हैं उल्का, क्या कहते हैं उल्का, और जब ये पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं तो उल्का पिंड कहते हैं, क्या कहते हैं उल्का पिंड। लेकिन हर एक कंडीशन में उल्का पिंड नहीं कहते। पृथ्वी जो हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाती है। अब देखिए उल्का जब सूर्य पृथ्वी के सामने गिरता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। अब जब उल्का जब पृथ्वी के सामने की तरफ से आता है तो वो काफ़ी तेज होती है। अब इस साइड वाला जो गिरता है उल्का पिंड वो बड़ा खतरनाक होता है। अब सपोज करें कि जैसे आप हम हैं, आपको कोई सामने से आपको तमाचा ऐसे मारे और आप फेस उसके ही तरफ करिए, आपको चोट कम लगेगी कि तेज, तेज लगेगी, ओबियसली तेज लगेगी, क्योंकि आपका आपको मार रहे आप ठीक उसी तरफ कर रहे हैं। और जब आपको वो आपको तमाचा मारे और उसको आप उल्टे दिशा में घुमा दीजिए इधर, तो अब सही सही आके ऐसे निकल जाएगी, कम लगेगी। और जब आपको मार रहा इधर से आप इधर से मारा और इधर आप मुंडी घुमा दीजिए, धड़ दिया कि इसमें लग जाएगा, और जब आपको इसे मार रहा आप इधर घुमा दे तो बस इसे निकल जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ये जब सामने उल्का गिरता है तो ये बहुत खतरनाक होता है पृथ्वी की सतह पे। लगभग ये 72 प्रति सेकेंड की स्पीड से गिरता है, यानी एक सेकेंड में 72 किलोमीटर, एक सेकेंड में 72 किलोमीटर इतना स्पीड होता है इसका। अब इधर जब गिरता है तो इसे कहते हैं उल्का पिंड, क्या कहते हैं उल्का पिंड। जब उल गिर रहा है तो उल्का, और जब गिर जाए तो पिंड, दोनों को मिला दिया जाए तो उल्का पिंड। और जब यही उल्का यानी उल्टे दिशा में गिरता है, उल्टे दिशा में गिरता है तो इसे कहते हैं उल्का नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बोला इट, इसे क्या कहते हैं बोला इट। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के ठीक सामने गिरे तो उसे क्या कहेंगे उल्का, जब गिर जाए तो उल्का पिंड, और जब उल्टे साथ मतलब पीछे साइड गिरे तो उसे कहते हैं बोला इट। और जब पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है, जब पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है तो उसे कहते हैं टेक टाइट, टेक टाइट। और उल्का पिंड गिरे चाहे टेक टाइट,
इन दोनों से गिरने से पृथ्वी को तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन उल्का पिंड गिरेगा तो बहुत भयानक विस्फोट होगा, बहुत उथल फुथल हो जाएगा पृथ्वी में। और लेकिन टेक्टाइट गिरेगा तो उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन दोनों से गिरने से एक गड्ढा तैयार होगा। बस फर्क इतना होगा, उल्का पिंड ज़्यादा प्रभाव डालेगा, टेक्टाइट जो होगा कम डालेगा। जो एक गड्ढा का तैयार होता है उस गड्ढा को हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। ये जो हम आप लोगों को बताए अभी कि जो डायनासोर का अंत हुआ उस समय जो उल्का पिंड गिरा था उसको ना उसका नाम इजिप्टा रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? इजिप्टा। वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था। कहाँ गिरा था? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था और उसके गिरने से जितने भी पृथ्वी के थे मैक्सिमा वगैरह सब बाहर निकले, उथल फुथल हुई और उथल फुथल हुई, इतना उथल फुथल हुई, इतना उथल फुथल हुई, अफ्रीका के किनारे एक पर्वत का निर्माण हो गया। अफ्रीका के किनारे एक पर्वत का निर्माण हो गया। अब अफ्रीका के जो इधर जैसे अब फिर हमारी पृथ्वी जो चलती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है और वायुमंडल जो बन पाया उसके आसपास के हवाओं को रोक दिया, जाने ही नहीं दिया। अब इधर से कोई हवा वगैरह पास ही नहीं कर पा रहे थे। पूरा का पूरा क्या बन गया था? एक पर्वत बन गया था काफ़ी बड़ा। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि उसके जो आसपास की जो उसके बाद की ज़मीनें थी पर्वत के आगे की, वो सब के सब मरुस्थल बन गए। क्या बन गई? मरुस्थल, जिसे आज हम लोग सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब वहाँ पे फिर उसके बाद कुछ बंदर प्रजातियाँ वगैरह रहने लगी और जो जो छोटे जीव जंतु वगैरह थे वो सब मर गए, ख़त्म हो गए। खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था। जो छोटे मोटे चूहा हुआ इधर उधर से बच बचे थे, काट दूठे चाटे पाँचठे, वो सब निपट गए। भूख लगी, भूख के कारण, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई कैसे रहेगा। अभी आप ही का खाना होना चार पाँच दिन बंद कर दिया जाए तो फिर आपका भी काम हो जाएगा, तो उन सब का भी काम ख़त्म हो गया। और जो बंदर वगैरह रहते थे अब वहाँ से सब निकल के कुछ दूसरे इलाकों में चले गए और बाकी हमारा मरुस्थल वैसे ही तैयार हो गया, जिसे आज हम लोग सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं।